आज खाना बनाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा गोभी पड़ी है, तो मन किया क्यों ना रेस्टो स्टाइल बढ़िया सी गोभी बनाई जाए। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी टेस्टी है, रेसिपी भी आसान है और थोड़ी डिफरेंट है। तो पूरी रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो साथ में देख लेते हैं, सब्जी बनाने के लिए चाहिए एक शिमला मिर्च और प्याज चकोर कटी हुई, हरे मिर्च, एक गोभी के फ्लोरेट्स जिसको हमने क्या कहते हैं ब्लांच करके रखा हुआ है। साथ में चाहिए हमें 2 से 3 आलू जिसको आप इस तरीके से छिलका उतार कर 2-3 पानी से अच्छे से धोकर इसे इस तरीके से काट लें। और चाहिए 2 टमाटर की प्यूरी, 1 प्याज बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, कुछ अदरक के जूनियल्स और चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट, वो है हमारा दही। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस यमी सी रेसिपी की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि जैन एंड वेलकम टू माई चैनल स्वास्थ्यशाला। तो चलिए कढ़ाई में ले लेते हैं सरसों का तेल। तेल थोड़ा अच्छा पड़ेगा क्योंकि रेस्टो स्टाइल सब्जी बना रहे हैं। तो तेल, जब सरसों का तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल दें खड़े मसाले जैसे तेज़पत्ता, 2-3 काली मिर्च के दाने, लौंग, जीरा, दालचीनी, ये सब जो भी खड़े मसाले आपके पास अवेलेबल हो वो डाल दें। और जब ये सारे मसाले तेल के अंदर अपनी फ्लेवर्स छोड़ दें तब डालें इसके अंदर कटे हुए और धुले हुए आलू और आलू को करें फ्राई। इसको हमें फ्राई करना है ताकि इस पर एक अच्छी सी क्रिस्प लेयर आ जाए और खाने में टेस्टी लगे, आलू हमारे फीके ना लगे। इसलिए थोड़ी सी डाल दें इस पर नमक और हल्दी, बहुत थोड़ी सी नमक हल्दी डालें क्योंकि आगे जो मसाले हैं बाकी के सारे मसाले हम आगे डालेंगे। तो जैसे ही आलू हमारे भुन जाएँ और आपको लगे कि ये 50% डन हो गए हैं तो अब बारी आती है इसके अंदर ब्लांच की हुई गोभी डालने की। आलू और गोभी को अच्छे से कर लें फ्राई। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, करछी जो है हल्के हाथ से चलाएं ताकि जो गोभी के फ्लोरेट्स हैं या आलू है वो हमारे टूटे ना। और जब आपको ये लगे कि गोभी और आलू हमारे ऑलमोस्ट 70-80% तक डन हो गए हैं और एक इससे ऊपर बहुत सुंदर सी ब्राउन कलर की लेयरिंग आ गई है तो इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, क्योंकि ब्लांच करी हुई गोभी है तो बहुत जल्दी ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। और जब ये इसको आप अलग प्लेट में निकाल के साइड में रख लें, अब बारी आती है शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करने की। मीडियम हाई फ्लेम पर शिमला मिर्च, हरी मिर्च और प्याज को हम फ्राई करेंगे। और जितने ये फ्राई हो रही हैं इन द मीनवाइल हम अपनी दही की मैरिनेशन भी तैयार करेंगे। इसको हम होने देते हैं फ्राई। तो अब दही ले लें, दही में डालें 2 टमाटर की प्यूरी या 1 बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में नॉर्मल लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अब डालेंगे इसमें हींग। हींग डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम किचन किंग मसाला जो सब्जी के फ्लेवर को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाला है। और इसको बीच बीच में सब्जी को हिलाते भी रहें। और जब ये सारे मसाले एक बार मैरिनेशन कर लेंगे, हम मिला लेंगे, फिर बारी आती है इसमें हल्दी डालने की। इन सबको मिला लें। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, अभी तक हमने सब्जी के अंदर नमक नहीं डाला है। तो देखिए प्याज और शिमला मिर्च भी हमारी फ्राई हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये पूरी सब्जी बनाने के लिए अराउंड मैंने 4 बड़ी चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। और जो ये सब्जी बन के तैयार हुई है वो सफिशेंट है अराउंड 4 से 5 लोगों की सर्विंग के लिए। तो अब बचे हुए तेल के अंदर डालेंगे अदरक के जूनियर्स। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो स्टेज पे गार्लिक भी डाल सकते हैं। और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे या जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम 2 मिनट सौते होने देंगे और जब इस पर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तब बारी आएगी इसके अंदर दही की मैरिनेशन डालने की जो हमने तैयार की है। तो फ्रेंड्स दही की मैरिनेशन गैस सिम करके डालें ताकि दही हमारा फटे ना, इस बात का ध्यान रखें और इसको चलाते भी रहें। और साथ में दही की मैरिनेशन में 1 चम्मच आटा ज़रूर मिला लें तो उससे जो दही के फटने के चांस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको अच्छे से जब ये तेल छोड़ने लगेगा तो अब जो दही वाला बाउल है उसी के अंदर ही हम पानी डाल देंगे और ये उसका पानी यूज़ करेंगे। इसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे कसूरी मेथी, हाथ में लेके दोनों हाथों से रगड़ के, हथेली से रगड़ के फिर डालें। ये देखिए जो अब हमारी फ्राई करी हुई सब्जियाँ हैं वो इसके अंदर मिला देंगे। पहले आलू और गोभी मिलाएंगे और जितना एक्स्ट्रा ऑयल प्लेट के अंदर था वो भी डाल देंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर पानी। पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें कि आपको कितनी पतली या गाढ़ी पसंद है। इसको मैं लिपटमा बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। इसको चलाएंगे 2 मिनट के लिए और जब आपको लगेगा कि इस पर बॉयल आ गया है तब डालेंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक और इसको मिलाएंगे। जब आपको लगे कि ये जो सब्जी है थोड़ा थोड़ा बॉईल लेने लगी है तो अब इसमें डाल देंगे अपनी भुनी हुई प्याज और शिमला मिर्च, क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। प्याज और शिमला मिर्च का जो क्रंच है वो हमें सब्जी में चाहिए।
वो ही खाने में इसको बहुत टेस्टी बनाने वाला है। तो ये देखिए, ये जो हमारी सब्जी है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब दही की खटास को बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम या मलाई जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, और बहुत थोड़ी सी चीनी। चीनी से आप ये मत सोचिएगा कि सब्जी मीठी हो जाएगी, ये दही के खटास को बैलेंस करेगी और इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। क्योंकि इसमें हमने दही डाला है तो हमें खटाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इस स्टेज पे आप एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें अच्छे शेफ की तरह, और जो कोई कमी हो वो पूरी कर लें, ताकि जब आप खाना सर्व करें तो कोई ये ना कहे कि यार इसके अंदर ये कम था। जैसे कि मुझे लगा थोड़ा नमक और मिर्च इससे डलनी चाहिए और हल्की सी चीनी और पड़नी चाहिए। तो वो मसालों को अपने हिसाब से बैलेंस करें और इस सब्जी को आप पराठों के साथ इंजॉय करें, ये खाने में बहुत ही यम लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी, और इस सब्जी को ट्राई करें तो इसकी जो पिक है वो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।